दोस्तों जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अगर एक शब्द में इसका रिव्यू किया जाए तो कहा जा सकता है कि ट्रेलर धांसू है, लोगों को पसंद आने वाला है। फिल्म कैसी होगी वो तो रिलीज के बाद पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर अच्छा है। ट्रेलर में भरपूर मात्रा में एक्शन किया गया है, जॉन अब्राहम काफ़ी एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ट्रेलर अच्छा है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि फिल्म भी अच्छी होगी। इसकी गारंटी खुद जॉन अब्राहम भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो पिछली फिल्म आई थी सत्यमेव जयते सीरीज की, जिसमें उन्होंने ट्रिपल रोल किया था, आप सबको याद होगा, ट्रेलर अच्छा था, ठीक ठाक था, गाने भी ठीक थे, लेकिन फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई थी। फिल्म को लोगों ने फेंक दिया था, बॉक्स ऑफिस पे कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन हम अटैक की बात कर रहे हैं, अटैक का ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि जॉन अब्राहम काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं और एक सीरियस किरदार के रूप में नज़र आ रहे हैं। अटैक मूवी का ट्रेलर जैसे ही शुरू होता है, जॉन अब्राहम के अंदर एक चिप लगी होती है और उस चिप की डायरेक्शन से, चिप की मदद से जॉन अब्राहम लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं छत से कूद रहे हैं, उसी डायरेक्शन से चल रहे हैं। ट्रेलर के पार्ट वन में जैसे ही पार्ट टू आता है, जॉन अब्राहम कुछ स्लो नज़र, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद उनकी एंट्री और धांसू तरीके से होती है, जिसमें वो ज़बरदस्त एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर में शर्टलेस भी जॉन अब्राहम को दिखाया गया है। अगर हम बात करें जॉन अब्राहम तो मेन लीड रोल में हीरो हैं, उनका एक्शन भरपूर है। इस फिल्म में पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसको भी दिखाया गया है कि अटैक जो हुआ था किस तरह हुआ था, यानी फिल्म में पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर जो हुआ था उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली है। अब बात करते हैं फिल्म की जो लीड हीरोइन है, रकुल प्रीत सिंह और जैकलिन फर्नांडिस। इस ट्रेलर में उन दोनों को नकार दिया गया है, रकुल को तो और नकार दिया गया है। जैकलिन एयर होस्टेज के तौर पर नज़र आ रही है, जिसमें जॉन अब्राहम जाते हैं और थोड़ी सी रोमांस भरी बात करते हैं। रकुल का कुछ ज़्यादा सीन नहीं दिखाया गया है, यानी दोनों हीरोइनों को नकार दिया गया है इस ट्रेलर में। लेकिन फिल्म में तो भाई दोनों लीड रोल में होंगे, क्योंकि रकुल है भाई, होनी चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा किरदार है प्रकाश राज का। प्रकाश राज एक ऑफिसर के तौर पे नज़र आने वाले हैं, जो कि जॉन अब्राहम को रोक रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ट्रेलर धांसू हुआ है, जॉन अब्राहम एक अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो बदनामी उन्होंने सत्यमेव जयते की आखिरी सीरीज से उन्होंने कर रखी है, इस फिल्म में वह रिकवर करने वाले हैं, क्योंकि यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा एक्शन और एक अच्छे किरदार और सीरियस किरदार की तरफ लगती नज़र आ रही है, क्योंकि जॉन अब्राहम उस तरफ दिख रहे हैं, एक्शन के मूड में दिख रहे हैं। और ये फिल्म देश पे है, पार्लियामेंट के अटैक पे है, तो लोगों को पसंद भी आने वाली है, क्योंकि एक अच्छा स्टोरी भी दिख रही है। अब देखना है कि फिल्म क्या करती है, क्या सत्यमेव जयते 2 जो लास्ट वाली सीरीज थी वैसा करती है या फिर कुछ अच्छा करती है। ट्रेलर आपको कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगने वाली है, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। मुझे तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। अब फिल्म का इंतज़ार है, फिल्म कैसा होने वाला है। फिल्म रिलीज होने के बाद रिव्यू मिलेगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।